हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ गई हूं, एंड दैट इज एमबीए एडमिशन प्रोसेस। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एमबीए के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। द एमबीए एडमिशन प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स दैट एक्सेसेस अ कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर एडमिशन टू अ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, that is MBA program. The admission process for an MBA program can vary depending on the specific university or business school and the country in which you are applying. Video mein aage badhenge, but usse pehle do subscribe to my channel and press the bell icon so that you'll be notified whenever we'll post a new video. आइए शुरुआत करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले रहता है रिसर्च और प्रोग्राम सिलेक्शन। उसमें आता है रिसर्च, एमबीए प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटीज और बिजनेस स्कूल्स। सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई टू ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेफरेंसेस, गोल एंड एलिजिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आता है बेसिकली सबसे पहले आप रिसर्च कर लो कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, यानी अगर आपको एमबीए करना है तो किस स्पेशलाइजेशन में करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है, और जिस यूनिवर्सिटी को आप एम कर रहे हो या फिर जहां से करना चाह रहे हो, तो क्या वो यूनिवर्सिटी एमबीए की वो स्पेशलाइजेशन करवाती है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में आपका यही आता है। सेकेंड आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ईच एमबीए प्रोग्राम हैज देयर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच often includes a bachelor's degree from a recognized institution in any field, but that university should be approved by UGC. Some programs may require minimum percentage of marks, that is 50%. Third आता है entrance exam. Many MBA programs require candidates to take a standardized entrance exam. Common entrance exam include CAT, that is common admission test, then is your MAT, यानी management aptitude test, फिर आता है ZAT, यानी Xavier aptitude test, और फिर आता है GMAT, यानी graduate management admission test, और last आता है GRE, यानी graduate record examination. Candidates need to register for relevant exams and achievement to come for a competitive score. तो दोस्तों, इसमें था एंट्रेंस एग्जाम। मतलब जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको एमबीए में एडमिशन लेना है तो आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और जो जनरल रहते हैं वो रहते हैं कैट के, जैट के, मैट के। लेकिन कुछ कॉलेजेस यानी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिम्बाइसिस का भी खुद का एंट्रेंस एग्जाम रहता है, दैट इज स्नैप, और NMIMS का भी खुद का एंट्रेंस एग्जाम रहता है, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम ही कंसिडर करते हैं फॉर द एडमिशन इन MBA प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सबमिशन। कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट एंड सबमिट द MBA प्रोग्राम एप्लीकेशन थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एडमिशन पोर्टल। दिस ऑफन इंक्लूड्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, अकेडमिक रिकॉर्ड्स, टेस्ट स्कोर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, फिर आता है एप्लीकेशन सबमिशन। इसमें होता है कि आपको जो इनका पोर्टल बना हुआ है उसको ऑनलाइन अपनी सारी डिटेल्स सबमिट कर देनी है, सारा फॉर्म फिल करना है जिसमें आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जाएगी, आपका वर्क एक्सपीरियंस जाएगा, आपकी अचीवमेंट्स जाएंगी, और ऐसी ही जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो आपको उनके पोर्टल के थ्रू ये सबमिट कर देनी है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट लिस्टिंग। आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशंस, द एमबीए प्रोग्राम इवैल्यूएट्स कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर एंट्रेंस एग्जाम स्कोर एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। Some programs also consider work experience at this stage. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी application submit कर देते हैं तो जो वो एक particular university है या college है वो आपका entrance score देखता है, और साथ ही साथ जो आपने application submit किए हैं जिसमें आपकी personal details हैं, academic information है, इन दोनों को वो देखता है, यानी आपका entrance exam का score देखता है, और ये सारी personal information को consider करके आपकी shortlisting करता है। अगर आपका work experience भी और अच्छा work experience भी है तो वो भी इसी टाइम पे, शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर टिपिकली इनवाइटेड फॉर ग्रुप डिस्कशंस एंड पर्सनल इंटरव्यूज। ड्यूरिंग GD, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, कैंडिडेट्स डिस्कस अ गिवन टॉपिक इन अ ग्रुप सेटिंग, व्हाइल द PI एक्सेसेस द कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी एप्लीकेशन के बेसिस पे, मतलब अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अकेडमिक इन्फॉर्मेशन ये सब डाली थी, एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए इन्वाइट किया जाता है। दैट इज योर GD एंड PI, दैट इज ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल।
पोस्ट मिनट रिव्यू। जीडी जो होता है उसमें बेसिकली आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है, और वहीं पीआई में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पर्सनालिटी है, ये सब चीजें इवैल्यूएट किए जाती हैं। नेक्स्ट आता है एकेडमिक रिकॉर्ड एंड वर्क एक्सपीरियंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। सम प्रोग्राम्स मे गिव एडिशनल वेटेज टू कैंडिडेट्स विद रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। वैसे तो बहुत से बी स्कूल्स में या बहुत सी यूनिवर्सिटीज में एमबीए में जब एडमिशन होता है वर्क एक्सपीरियंस को नहीं कंसिडर करते, लेकिन कुछ जहाँ पे अगर वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है तो वो यहीं पे देखा जाता है। और अगर किसी के पास ज़्यादा अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है या कुछ प्रोग्राम में वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या जहाँ कंसिडर किया जाता है, वहाँ जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा सालों का वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो उनके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है फाइनल सिलेक्शन। द फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जाम स्कोर, जीडी, पीआई, एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। ईच प्रोग्राम असाइंस डिफरेंट वेटेज टू दीज फैक्टर्स। फिर आता है फाइनल सिलेक्शन की बारी। तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो किसी भी एक पर्सपेक्टिव पे नहीं होता, ये इंक्लूडेड होता है बहुत सारी चीजों पे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आता है आपका एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर, फिर आते हैं आपके जीडी सेक्शंस, फिर आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, और फिर आता है आपके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यानी जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी आपने, यानी जो भी आपके प्लस 11 12th के स्कोर थे या अचीवमेंट्स थी, ग्रेजुएशन का स्कोर था, इन सभी के बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्ट किया जाता है। और कुछ केसेस में जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है वहाँ आपका डेफिनेटली वर्क एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना MBA एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हर स्पेशलाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं, ईयर टू ईयर ये चेंज हो सकता है, और इवन एडमिशन क्राइटेरिया भी हर साल चेंज हो सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट MBA स्पेशलाइजेशन ये भी डिफरेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो जनरल MBA एडमिशन के लिए जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ, और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो मेरे साथ जरूर बने रहें। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी कोर्स, एग्जाम और यूनिवर्सिटी, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू एज सून एज पॉसिबल एंड वी क्लियर ऑल योर क्वेरीज।